आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। और आज के इस वीडियो में हम पिछले सप्ताह का छत्तीसगढ़ करंट अफेयर एनालिसिस करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने 31 अगस्त तक जितने भी छत्तीसगढ़ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन सब का हमने एनालिसिस कर लिया था। और उसके बाद जो MCQ का सीरीज आया था छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का अगस्त महीने का, उस पर आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है, बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी पिछले महीने का है, चाहे जुलाई का जून का हो, उसका भी मैं MCQs आप लोगों को करवा दूं बीच बीच में। और अब से हर मंथ के एंड में हम जो है MCQs करेंगे ही मंथली वाइज, ठीक है। तो और आज के इस वीकली सेशन में हम 1 सितंबर से लेके 9 सितंबर तक के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उन सबका हम एनालिसिस करेंगे। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बोला था, अगर आप MCQs वाला सीरीज अटेम्प्ट कर रहे हो तो वीकली मत छोड़ना, अगर वीकली अटेम्प्ट कर रहे हो तो जो MCQ सीरीज है उसको मत छोड़ना, दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ये आपके मेंस के लिए भी काम आएगा, प्रीलिम्स के लिए भी काम आएगा, या छत्तीसगढ़ में कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो उसके लिए बहुत काम आने वाला है वीकली सेशन। तो इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और MCQs का काम है कि आपने जो भी वीकली सेशन में पढ़ा है उसको फटाफट रैप अप कर लो, ताकि आप उसको लंबे समय तक याद रख सको, ठीक है। तो आज हम 1 सितंबर से लेके 9 सितंबर तक के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उन सबका एनालिसिस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमने पिछले वीडियो में जो टॉपिक्स डिस्कस किए थे उसका एक बार क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर किया कीजिए, ताकि और इसका आंसर जो है मैं आप लोगों को इसलिए नहीं बताता हूँ ताकि आप अपने दिमाग पर जोर दो कि आपने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा है। तो बिना कुछ कॉपी देखे, बिना कुछ देखे आप नीचे कमेंट किया करो, ताकि आपके दिमाग पर जोर जाए और आपको याद आ सके और वो चीज़ें लंबे समय तक याद रह सके। इसलिए मैं आंसर नहीं बताता हूँ और आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप क्वेश्चन का आंसर दो, ठीक। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप अगर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचता है, अगर कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमारे साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हो तो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक थोड़ा सा मेहनत वाला काम आप लोग कर सकते हो, अगर वीडियो पसंद आते हैं तो ये लाइक का बटन दबा दीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, और कुछ अगर थोड़ा बहुत तारीफ़ करना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। वैसे आप लोग करते हो, कहने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी जो लोग नहीं करते हैं वो लोग कर लीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हो तो कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कर सकते हो। और आने वाले समय में आप पूरे इंडिया में किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो भी यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, बहुत सारे प्रोग्राम आने वाले हैं। चलिए इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन सीरीज़ है, पहला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ विधानसभा की त्रैमासिक शोध पत्रिका का नाम क्या है, छत्तीसगढ़ विधि, विधायन, विधायिका या फिर ननब दिया वो, यानी कि इनमें से कोई नहीं। आंसर नीचे आपको कमेंट सेक्शन में करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, 1st, 2nd, 7th या 8th। ये थोड़ा सा इसका आंसर मैं बता देता हूँ, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने गलत कर दिया था। आई थिंक इसका रैंकिंग मैंने 7th बता दिया था, लेकिन ओवरऑल रैंकिंग जो है इसका 8th है। तो अगर 7th मैं बोला हूँ तो इसको सुधार लेना, क्योंकि एक आध बच्चों का शायद कमेंट आया था, तो 7th नहीं, 8th रैंकिंग है। और भू आवेष्टित राज्यों के मामले में अगर हम देखें, लैंडलॉक स्टेट के मामले में, तो इसी सूचकांक में छत्तीसगढ़ का रैंकिंग 4th है। तो इसे आप सुधार लीजिएगा, इसलिए मैंने इसे यहीं पर करेक्शन करवा दिया है, ठीक। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जसपुर में प्राप्त दुर्लभ प्रजाति का पेंगुलिन का वैज्ञानिक नाम क्या है, बताइए, मैनिस कैसरी, काउडाटा, मैनिस डकहॉज, लैंग्रेथ या फिर नन ऑफ दी एवर। तो इसका आंसर भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। देखिए इसके बाद मैं एक वीडियो और बनाने का सोच रहा हूँ, वो वीडियो मैं संडे को बनाऊंगा। वो वीडियो किस सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा या फिर किस टॉपिक से रिलेटेड होगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो CGPSC की तैयारी करना चाहते हैं, कॉलेज में हैं या फाइनल ईयर में आ चुके हैं, तो वो बोलते हैं कि एक आध वीडियो इस पर बनाइए कि किस प्रकार से शुरुआत किया जा सकता है, या फिर जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे चुके हैं या फिर बार बार अटेम्प्ट देकर असफल हो रहे हैं, तो 2021 के लिए, यानी कि 2021 में जो आपका परीक्षा होगा CGPSC का, तो उसके लिए रणनीति किस प्रकार से होनी चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उस पर मैं एक वीडियो संडे को ज़रूर बनाऊंगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैसेज भी कर रहे थे कि CGPSC की तैयारी करना चाहता हूँ, किस प्रकार से करूँ, तो थोड़ा सा वेट कर लो, संडे तक एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए जरूर बनाऊंगा, ठीक। चलिए तो आज का हम अपना एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है राज्यों का इज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग, हाल ही में जारी किया गया है वित्त मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से।
और यह जो रैंकिंग है 2019 का रैंकिंग है। सबसे पहले हम इस रैंकिंग में भारत के विभिन्न राज्यों की स्थिति देखते हैं, उसके बाद इस रैंकिंग को क्यों रिलीज़ किया जाता है और इस रैंकिंग के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। तो इस रैंकिंग के अनुसार आंध्र प्रदेश जो है लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है। छत्तीसगढ़ का रैंक भी हम देखेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं यहां पर जो है आप ओवरऑल इंडिया का रैंकिंग देख लो, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर है और लगातार तीसरी बार जो है आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर आया है। उत्तर प्रदेश जो है 2018 की रैंकिंग में 12वें स्थान पर था, लेकिन इस बार बहुत लंबी छलांग लगाकर 10 स्थान सुधार कर ये पहुँच गया है दूसरे स्थान पर। 2018 में जैसे मैंने बताया उत्तर प्रदेश 12वें स्थान पर था, तेलंगाना जो है अब तीसरे स्थान पर पहुँच गया है। पिछले साल तेलंगाना जो है यानी कि 2018 में वो दूसरे स्थान पे था। इज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य को देश भर में 6वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगर मैं 2018 की बात करूं छत्तीसगढ़ के रैंकिंग की, तो छत्तीसगढ़ 2018 में भी 6th पोजीशन पे था और 2019 के इस रैंकिंग में भी 6th पोजीशन पे है। मस्ट इम्पॉर्टेंट है ये छत्तीसगढ़ का रैंकिंग, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद राज्यों की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2019 में यहाँ पर आप टॉप 10 स्टेट का रैंकिंग देख लो। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड, ये रहा छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और गुजरात। जब सबसे पहला रैंकिंग रिलीज हुआ था ना, तो उस समय गुजरात था फर्स्ट। और सबसे पहला रैंकिंग कब रिलीज किया गया था? सबसे पहला रैंकिंग 2016 में रिलीज किया गया था और इस साल जो है ये इस रैंकिंग का 4th रैंकिंग है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक बात ये समझ लीजिए कि राज्यों की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है। तो इसे उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड प्रमोशन, इस डिपार्टमेंट की तरफ से निकाला जाता है और यह डिपार्टमेंट जो है भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, ठीक है। राज्यों संघ शासित प्रदेशों की तरह रैंकिंग जो है कारोबार सुधार कार्रवाई योजना 2019 के क्रियान्वयन के आधार पर जारी किया गया है। तो कारोबार सुधार कार्रवाई योजना यानी कि बिजनेस इम्प्रूवमेंट एक्शन प्लान 2019 के कुछ डेटा के आधार पर ही इस रैंकिंग को रिलीज़ किया जाता है। आखिर इस रैंकिंग को रिलीज़ किए जाने के पीछे का उद्देश्य क्या है? तो राज्यों को आपस में कंपटीशन की भावना को उत्पन्न करने के लिए यानी कि प्रतिस्पर्धा की भावना को उत्पन्न करने के लिए इस रैंकिंग को रिलीज़ किया जाता है। हर स्टेट अपनी पॉलिसीज में कुछ चेंजेस करती हैं, बिजनेस को सिंपल बनाती है, तो उसी आधार पर कैलकुलेशन करके इस रैंकिंग को रिलीज़ किया जाता है। ध्यान रखिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2018 में भी छत्तीसगढ़ 6वें स्थान पर था और 2019 में भी छत्तीसगढ़ 6वें स्थान पर है, ठीक है। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का जो रैंकिंग है वो 6th है, ठीक। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रदेश का पहला एथेनॉल प्लांट। हम लोग बहुत पहले से पढ़ रहे थे कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाना है। केंद्र सरकार से बार बार अनुमति लेने का प्रयास किया जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में जो बहुत अधिक मात्रा में धान का उत्पादन होता है उससे छत्तीसगढ़ में एथेनॉल का उत्पादन किया जा सके। तो इसीलिए छत्तीसगढ़ सरकार जो है लगातार प्रयासरत थी और अब यह बात क्लियर हो गया है कि छत्तीसगढ़ में एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा। तो सबसे पहला जो एथेनॉल प्लांट है छत्तीसगढ़ का, वो आपका भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना जो कि कवर्धा जिले में स्थापित है, यहाँ पर प्रदेश का पहला एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा। और यह जो प्लांट होगा वो PPP मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर स्थापित किया जाएगा। कहने का मतलब है कि सरकार और प्राइवेट कंपनी मिलकर इस प्लांट को स्थापित करेगी, ठीक है। और इसका भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना में इसलिए स्थापित किया जा रहा है ताकि यहाँ पर गन्ना किसानों को भी फायदा मिल सके, गन्ना से भी एथेनॉल का उत्पादन किया जा सके और धान से भी एथेनॉल का उत्पादन किया जा सके। इसी उद्देश्य के साथ में जो है इसका उत्पादन यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एथेनॉल के बारे में भी थोड़ा सा जान लो। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH और एथेनॉल जो है गन्ना, मक्का, गेहूं या फिर धान से प्राप्त किया जा सकता है जिसमें स्टार्च की उच्च मात्रा होती है। भारत में एथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से किण्वन प्रक्रिया द्वारा गन्ना के शीरा से किया जाता है, लेकिन जैसे मैंने बताया ना, इसको मक्का से भी किया जा सकता है, गेहूं से भी किया जा सकता है। अब यहाँ पर यह समझिए कि छत्तीसगढ़ के लिए क्यों महत्वपूर्ण है एथेनॉल का उत्पादन और वो भी धान से। तो छत्तीसगढ़ का हर साल अगर अभी मान लो पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर से देखोगे तो 85 लाख मीट्रिक टन
जो है वो धान के उत्पादन का लक्ष्य रखा जाता है और लगभग 80 लाख मीट्रिक टन के आसपास धान की खरीदी की जाती है। तो इसमें से अगर मान लो छत्तीसगढ़ का खपत 30 लाख मीट्रिक टन है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का खपत जो है वो 30 से 35 लाख मीट्रिक टन के आसपास होता है, और उसके बाद कुछ सेंट्रल पूल में खरीद लिया जाता है धान को, तो मानकर चलो कि 30 लाख मीट्रिक टन सेंट्रल पूल में खरीदी हो गया, तो जो 20 लाख मीट्रिक टन धान बन जाता है उससे छत्तीसगढ़ एथेनॉल का उत्पादन कर सकता है। और एथेनॉल जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पर्यावरण को संरक्षित करने में बहुत हेल्प करता है, और भारत सरकार 2003 में एक पॉलिसी लेकर आई थी, उस पॉलिसी के अंतर्गत एथेनॉल का पेट्रोल में ब्लेंडिंग करने से यानी कि पेट्रोल में मिलाने से संबंधित नियम बनाया गया था। क्योंकि अगर आप वैश्विक नियम देखोगे तो जो हम कच्चा तेल खरीदते हैं उसमें कम से कम 5% का एथेनॉल का ब्लेंडिंग होना चाहिए, और 2003 के पॉलिसी के अनुसार भी यही कहता है भारत सरकार कि कम से कम कच्चे तेल में 5% एथेनॉल की ब्लेंडिंग किया जाना चाहिए। पर हमारे देश में एथेनॉल का उतना प्रोडक्शन होता नहीं है, इसलिए हम एथेनॉल बहुत अधिक मात्रा में बाहर से खरीदते हैं। कच्चे तेल में 5% एथेनॉल का ब्लेंडिंग करने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा तेल होता है, जो पेट्रोलियम पदार्थ होता है, वो कार्बन कम उत्सर्जित करता है अगर एथेनॉल का जो है उसमें कुछ परसेंटेज मिलाया जाता है। तो कई कई कंट्रीज़ में, अगर ऑस्ट्रेलिया कनाडा की मैं बात करूं, तो वहाँ पर कच्चे तेल में जो है 80% तक एथेनॉल यानी कि बायोफ्यूल का वहाँ पर ब्लेंडिंग किया जाता है। तो इस तरह से एथेनॉल की महत्वता क्या है, इस बात को आप ध्यान रख सकते हो, और छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से अवसर हैं एथेनॉल को उत्पादित करने का, तो ये आप एग्जांपल दे सकते हो, 85 लाख मीट्रिक टन इतना धान उत्पादन होता है। तो इस तरह से राज्यों को भी फायदा होगा, देश को भी फायदा होगा, और किसानों को भी फायदा होगा। ये आप मुख्य परीक्षा में इस तरह से वैल्यू एडिशन कर सकते हो, इसलिए मैं इतना ब्रीफ में बता दिया। ठीक, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट का टॉपिक है, छत्तीसगढ़ में जीएसटी संकलन में 6% की वृद्धि हुई है, अगस्त 2020 का डेटा जारी हुआ है उस डेटा के अनुसार। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में पिछले वर्ष अगस्त माह के मुकाबले इस वर्ष या अगस्त माह में जीएसटी कलेक्शन जो है 6% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अभी कोविड-19 का पूरा मामला चल रहा है। अगर आप बहुत सारे राज्यों में देखोगे तो कई राज्य ऐसे हैं जहां पर 20% तक जीएसटी कलेक्शन में गिरावट देखने को मिला है। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट वैल्यू एडिशन करने के लिए डेटा आपके पास में एकत्रित हो जाएगा, तो इसको नोट कर लेना। ठीक है, अगस्त माह में राज्य में जीएसटी का जो कलेक्शन था वो 1873 करोड़ रुपये का था। तो ये जो 1873 करोड़ रुपये है अगस्त 2019 का, तो आप इस तरह से एक अनुमान लगा सकते हो कि छत्तीसगढ़ में कितना जीएसटी का कलेक्शन होता है, यानी कि एसजीएसटी के तहत। क्लियर है, तो इस तरह से आप एक अनुमान के तहत में वैल्यू एडिशन कर सकते हो, और 6% इंक्रीमेंट के साथ में अगस्त 2020 का कलेक्शन कितना है, 1994 करोड़ रुपए का है। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। अगर ओवरऑल इंडिया की बात करें तो भारत में जो है जीएसटी कलेक्शन 8% डिक्रीज हुआ है अगस्त के महीने में 2020 में। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और छत्तीसगढ़ राज्य जीएसटी राजस्व संग्रहण के मामले में 6% की वृद्धि दर्ज कर देश में जो है चौथा नंबर प्राप्त किया है, यानी कि छत्तीसगढ़ अगस्त 2019 के अनुसार चौथे नंबर पर है जीएसटी संग्रहण के मामले में। ठीक, क्लियर है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पोषण माह से संबंधित। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्यों में है कुपोषण के मामले में, या फिर एनीमिया का मामला कह लो। तो पोषण माह शुरू किया गया था खासकर माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण को ख़त्म करने के लिए, एनीमिया जैसे प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए, इसलिए पोषण माह बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 2018 के बाद प्रत्येक वर्ष जो है सितंबर का महीना जो होता है वो पोषण माह के रूप में मनाया जाता है, और यह पोषण माह जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मनाया जाता है, और राज्यों में भी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जो है प्रत्येक राज्यों में भी पोषण माह मनाया जाता है। उसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक जो है वो पोषण माह का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित करवाया जाएगा। इसमें महीने भर में विभिन्न गतिविधियों को शामिल किया जाता है, जिसमें महिलाओं का देखभाल होता है, बच्चों में कुपोषण की मात्रा को ख़त्म करने के लिए उन्हें जागरूक किया जाता है, सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। तो इस तरह से आप इसके उद्देश्य को यहाँ पर जान सकते हो।
ठीक है। इसके बाद पोषण अभियान की अगर हम बात करें, क्योंकि पोषण अभियान 2018 में लाया गया था और 2018 के बाद ही प्रत्येक वर्ष ये फैसला किया गया कि सितंबर का महीना जो होगा वो पोषण माह के रूप में जाना जाएगा। तो 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुन से लॉन्च किया गया था, किसको? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पोषण अभियान को। क्रियान्वयन जो है, जैसे मैंने बताया, महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। लक्ष्य इसका क्या है? 2022 तक स्टंटिंग, यानी कि जिनका जो हाइट है वो कम है, कम वजन और जन्म के वक्त शिशु में कम वजन, या फिर प्रत्येक वर्ष जो है 2% की, तथा युवा बच्चों में, किशोरों में और महिलाओं में एनीमिया में प्रत्येक वर्ष जो है 3% की कमी लाना है। यानी कि प्रत्येक वर्ष बच्चों में माल न्यूट्रिशन को 2% तक कम करना है और महिलाओं में एनीमिया की जो प्रॉब्लम है प्रत्येक वर्ष 3% तक कम करना है, ठीक है। स्टंटिंग यानी कि कम हाइट वाले जो बच्चे होते हैं उसे कम करने के लिए न्यूनतम लक्ष्य प्रत्येक वर्ष जो है वो 2% है, किंतु यह मिशन इसे 2016 के 38.4% से वर्ष 2022 तक 25% कम करने का प्रयास रहेगा इस मिशन के तहत भारत सरकार का। अब यहाँ पर हम कुछ आंकड़ा छत्तीसगढ़ का लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ में कुपोषण और एनीमिया जैसे प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2019 को शुरू किया गया था सुपोषण अभियान। लेकिन उससे भी पहले आपको ये डेटा पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में कुपोषण और एनीमिया की स्थिति किस प्रकार से है। तो लास्ट आंकड़ों के हिसाब से अगर आप देखोगे तो छत्तीसगढ़ में 37% जो है वो बच्चों में कुपोषण का मामला देखा जाता है और इसी तरह से 47% महिलाओं में जो है वो एनीमिया की समस्या देखा जाता है। लेकिन सुपोषण अभियान 2 अक्टूबर कब आया था? 2 अक्टूबर 2019 को, और मार्च 2020 तक, 2 अक्टूबर 2019 से लेकर मार्च 2020 तक 60,000 बच्चों को जो है वो कुपोषण से बाहर निकाल दिया गया है। तो ये एक अच्छी पहल है, और अगर आप देखोगे तो 13% बच्चों को कुपोषण से बाहर निकाला गया है ये पिछले कुछ दिनों में। तो वैल्यू एडिशन का काम कर सकता है, इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा जितने पॉइंट्स मैंने यहाँ पर बताए, ठीक है। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ में कुपोषण की स्थिति किस प्रकार से है, देश में क्या लक्ष्य रखा गया है, पोषण अभियान क्या है, तो ये सब आप लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ सकते हो। और चलो एक बात मैं आपसे बोलता हूँ, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि छत्तीसगढ़ में कुपोषण और एनीमिया की समस्या को ख़त्म करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कौन कौन सी स्कीम्स चलाई जा रही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वैल्यू एडिशन के लिए। तो एक तो मैंने आपको बता दिया सुपोषण अभियान, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। इसके अलावा 3 ऐसी और योजनाओं का नाम बताओ जो कि कुपोषण और एनीमिया को ख़त्म करने के लिए शुरू किया गया है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, साक्षरता दर रिपोर्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की तरफ से इस साक्षरता दर रिपोर्ट को हाल ही में जारी किया गया है। कब? 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इसी दिन एनएसओ की तरफ से यह रिपोर्ट जारी किया गया जिसके अनुसार भारत में साक्षरता दर जो है यानी कि लिटरेसी रेट जो है वो 77.7% है। सबसे पहले भारत का बताऊंगा, उसके बाद छत्तीसगढ़ का बताऊंगा। तो इंडिया का ओवरऑल याद रखिएगा 77.7%। अब इसमें अगर आप ग्रामीण इलाकों की साक्षरता दर देखोगे तो 73.5% दिखेगा। इसके अलावा अर्बन एरिया का 87.7% देखेगा। देश में अगर मेल का लिटरेसी रेट हम देखें तो ये आपको 84.7% मिलेगा, और अगर फीमेल की हम बात करें तो फीमेल का आपको यहाँ पर लिटरेसी रेट पूरे भारत में 70.3% मिल जाएगा। सारे बहुत इंपॉर्टेंट डेटा हैं तो बहुत ध्यान से नोट कीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद अगर हम भारत में राज्यों की बात करें तो साक्षरता को लेकर देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन फिर से एक बार और केरल जो है शुरू से ही नंबर वन रहा है। केरल में साक्षरता दर 96.2% है, और वहीं आंध्र प्रदेश जो है सबसे नीचे है लिटरेसी रेट के मामले में, लगभग सिर्फ 66.4% जो है लिटरेसी रेट जो है वो आंध्र प्रदेश का है। तो अगर आप देखोगे केरल में लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी केरल में जो बेरोजगारी दर है वो सबसे ज़्यादा है। तो दोनों ही मामले में केरल राज्य जो है वो अव्वल है। छत्तीसगढ़ का बताता हूँ, थोड़ा सा सब्र कीजिए। यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं इस इमेज के माध्यम से,
सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों के जो आंकड़े हैं आप नोट कर लीजिएगा, खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों के आंकड़े भी आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद जो औसत प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने बता ही दिया कि पुरुषों की भागीदारी किस प्रकार से है, महिलाओं की भागीदारी किस प्रकार से है, तो इस तरह से इस इमेज के माध्यम से भी आप कुछ आंकड़ों को यहाँ पर एकत्रित कर लीजिएगा। इसके बाद मैं बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ की स्थिति। तो छत्तीसगढ़ में जो लिटरेसी रेट है इस रिपोर्ट के अनुसार टोटल आपका 77.3% छत्तीसगढ़ का लिटरेसी रेट है। अगर ओवरऑल स्टेट और यूनियन टेरिटरी को मिला लें तो छत्तीसगढ़ का जो रैंकिंग है वो आपका 12th है। लेकिन यहाँ पर एक बात समझिएगा, ये छत्तीसगढ़ का ओवरऑल है। अगर इसमें मेल लिटरेसी यानी कि पुरुष का साक्षरता दर देखोगे तो ये आपको मिलेगा 88.4%। ठीक है, इसके बाद अगर आप महिला का देखते हो यानी कि महिलाओं का फीमेल का आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 68.7%। ठीक है, पुरुष का जो लिटरेसी रेट है छत्तीसगढ़ में वो 88.4% है और फीमेल का जो लिटरेसी रेट है वो 68.7% है। क्लियर है? यहाँ पर एक बात इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि जैसे मैंने बोला पुरुष का इतना है महिला का इतना है, इस बीच में जो गैप है ना जिसे जेंडर इन इक्वालिटी कहते हैं वो छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा है। जेंडर इन इक्वालिटी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिल रहा है 16.7%, यानी कि महिलाओं और पुरुषों के बीच में जो साक्षरता दर का गैप है वो इतना परसेंट है, जो कि अग्रणी राज्यों में आता है। तो छत्तीसगढ़ की स्थिति इसमें कुछ बेहतर नहीं है साक्षरता के मामले में अगर जेंडर वाइज देखोगे तो। लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़ से भी बुरा स्थिति और देश में अगर सबसे बुरा स्थिति मैं आपको बताऊं तो राजस्थान में है लिटरेसी राज्य के मामले में। राजस्थान में राजस्थान का नंबर आता है, सबसे पहले नंबर पे आता है, जहां जो जेंडर गैप है लिटरेसी के मामले में वो सबसे ख़राब है। राजस्थान का जो परसेंटेज है वो 23.0% है, महिला और पुरुषों के बीच में इतना गैप है लिटरेसी के मामले में राजस्थान में। तो छत्तीसगढ़ की स्थिति भी आप ध्यान रखिएगा और जो सबसे ख़राब स्थिति है उसके बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गोधन न्याय योजना, जो शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? हरेली पर्व के अवसर पर 20 जुलाई को शुरू किया गया था। इस योजना की खास बात क्या है? इस योजना के तहत गौपालकों से गोबर की खरीदी की जाएगी 2 रुपये पर केजी के हिसाब से। तो ये तो बेसिक बातें हो गई। न्यूज़ इसलिए है क्योंकि गोधन न्याय योजना के तहत एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है गोधन न्याय योजना मोबाइल ऐप। ठीक है, इस ऐप की मदद से जो है जो गोबर विक्रेता है सारी जानकारी ले सकते हैं घर पर ही बैठकर ऑनलाइन, कहाँ बेचना है कैसे बेचना है सारी इन्फॉर्मेशन, आपको कब पैसा मिलेगा सारी इन्फॉर्मेशन जो है इस एप्लीकेशन के माध्यम से ले सकते हो। तो शुरू में भी मैंने बताया था कि गोधन न्याय योजना जो है बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसलिए गोधन न्याय योजना के बारे में सारी जानकारी आप इकट्ठा रखिएगा। कितने रुपए से बेचा जा रहा है, किस उद्देश्य के साथ में लाया गया था, हमने सब पढ़ रखा है। तो गोधन न्याय योजना के बारे में आप अच्छे से याद रखिएगा। और अब हाल ही में इसका एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पढ़ना लिखना अभियान। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस वर्ष एक अभियान शुरू किया जाएगा, पढ़ना लिखना अभियान। ये स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शुरू किया जाएगा। इसका अनाउंसमेंट जो है स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम द्वारा किया गया है। ठीक है, इस अभियान के तहत 15 वर्ष अधिक आयु समूह के असाक्षर लोगों को जो है स्वयं सेवी अनुदेशकों यानी कि जो खुद से पढ़ाना चाहते हैं खुद से मदद करना चाहते हैं उनके माध्यम से इन लोगों को साक्षर किया जाएगा जिनकी उम्र 15 वर्ष से अधिक है और वो असाक्षर हैं। ठीक है, और टारगेट रखा गया है कि पढ़ना लिखना अभियान के प्रथम चरण में लगभग 2.5 लाख लोगों को साक्षर किया जाएगा प्रदेश में। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक और आज का लास्ट टॉपिक है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को राज्यपाल द्वारा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये इसलिए
क्योंकि जिस तरह से कोरोना महामारी का जो संकट चल रहा है, इस बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो हमारे वॉरियर्स हो गए या फिर कुछ एजेंसीज हो गई या फिर जो गवर्नमेंट हो गया या फिर डिस्ट्रिक्ट जो जिसे हम जिला प्रशासन कहते हैं उनकी तरफ से बहुत मेहनत किया गया है। तो रेड क्रॉस सोसाइटी का उत्कृष्ट कार्य करने वाले जो लोग हैं, वॉलंटियर्स हैं, उनको राज्यपाल की तरफ से पुरस्कार दिया जाएगा। तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी में विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट जिला या फिर श्रेष्ठ अधिकारी या फिर श्रेष्ठ वॉलंटियर को जो है राज्यपाल द्वारा पुरस्कार दिया जाएगा, जिसके श्रेष्ठ जिला श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जो है वो जगदलपुर को दिया जाएगा और द्वितीय पुरस्कार जो है धमतरी और राजनांदगांव को संयुक्त रूप से दिया जाएगा और तृतीय पुरस्कार जो है वो बालोद एवं सूरजपुर को संयुक्त रूप से दिया जाएगा। श्रेष्ठ अधिकारी या श्रेष्ठ जिला सचिव में 5 अधिकारियों को यह पुरस्कार दिया जाएगा। श्रेष्ठ वॉलंटियर में राज्य स्तर पर 5 और जिला स्तर पर 43 वॉलंटियर्स को जो है पुरस्कार दिया जाएगा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी में बेहतर कार्य करने के लिए। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आया होगा कि आखिर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है क्या, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एक्ट के तहत हुआ था। इस सोसाइटी के जो अध्यक्ष होते हैं वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री होते हैं। लक्ष्य इसका होता है स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएँ मुहैया करवाना। हालांकि इसे एक एक्ट के तहत लाया गया था, लेकिन जो स्वास्थ्य संबंधित भावना होता है, अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो या फिर जो भी सिचुएशंस हो उसमें लोगों की मदद करना, संगठनों के साथ में मिलकर काम करना, सरकार के साथ में मिलकर काम करना, विभिन्न राज्यों के साथ में मिलकर काम करना, ये इस सोसाइटी का प्रमुख उद्देश्य होता है। क्लियर है? तो ये था हमारा आज का पूरा छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर, यानी कि इस सप्ताह में हमने लगभग 8 टॉपिक डिस्कस किए और सारे के सारे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे। तो आज के इस सेशन में फ़िलहाल इतना ही। हाँ, एक बात और है कि मेंस का पेपर आने वाला है और एक वीडियो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, आधा घंटा से 40 मिनट का वीडियो होगा, कि एक अच्छा एसे राइटिंग कैसे लिखा जाता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैसेज कर रहे थे कि एक अच्छा एसे किस प्रकार से लिखा जाए, तो वो बता दीजिए। तो मैं एक एसे का, प्रॉपर एसे का किस प्रकार से फ्रेमिंग किया जाता है, किस प्रकार से एक अच्छा एसे राइटिंग लिखा जाता है, उसके बारे में एक वीडियो मैं 1 से 2 दिन में आप लोगों के लिए बनाऊंगा और कुछ टॉपिक्स भी दूंगा। टॉपिक्स मैं यहाँ पर नहीं दूंगा, टॉपिक्स मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूंगा। तो पिछले 1 साल में जो भी बड़े इशूज़ हुए हैं, चाहे नेशनल लेवल पे, चाहे छत्तीसगढ़ लेवल पे, कौन कौन से टॉपिक से पूछा जा सकता है, तो सारा टॉपिक कंटेंट के साथ में मैं आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूंगा। वो वीडियो को अवेलेबल करवाने के बाद लगभग नहीं भी मानकर चलो तो आपको मैं 50 से 60 टॉपिक तो ज़रूर अवेलेबल करवाऊंगा। 2019 और 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं उस सबको अवेलेबल करवा दूंगा कंटेंट के साथ, ठीक है। तो इस जो एसे राइटिंग वाला इनिशिएटिव है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ, इस पर आप लोगों का क्या सुझाव है या फिर आप लोगों का क्या कहना है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।